दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आप स्पेसिफिक पेज से पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो या आप कोई ऑफिस वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपने कोई असाइनमेंट प्रोजेक्ट या फिर कोई ऑफिस डेटा वर्ड पे मेंटेन किया है और आप उसे कोई स्पेसिफिक पेज से पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो इस के लिए इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले अगर से हम नॉर्मल पेज नंबर इंसर्ट करते हैं तो हमें सारे पेज नंबर पे हम इजीली नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, मगर अगर से हम कुछ स्पेसिफिक पेज पर अगर पेज से हम पेज नंबर इंसर्ट करना चाहे तो हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके रिलेटेड इस वीडियो में जानकारी दी गई है। एग्जांपल के लिए देखिए, एक असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट यह असाइनमेंट 12 पेज का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 12 पेज का असाइनमेंट है और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट पेज है ये एज अ इंट्रो है और जो मेरा मेन कंटेंट है वो सेकंड पेज से स्टार्ट है, यानी कि इस सेकंड पेज को मुझे इसे फर्स्ट पेज नंबर इंसर्ट करना है। सपोज आपका फोर्थ, फिफ्थ या कोई नंबर ऑफ पे आपका जो कंटेंट मेन कंटेंट है आप वहाँ से भी पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। बस जस्ट एक कुछ फ्यू टिप्स हैं जो फॉलो करने रहते हैं। सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए, आप जहाँ से पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं आप सबसे पहले उसे वहाँ पे क्लिक करके हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे सेकंड पेज से पेज नंबर इंसर्ट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप अपने एक्सेल के पेज लेआउट में आएंगे और वहाँ पे क्लिक करके आप ब्रेक में आएंगे। ये देखिए, इस ब्रेक में हम आएंगे। ब्रेक में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप बॉटम में आएंगे जहाँ पे आपको सेक्शन ब्रेक का जो ये येलो कलर हाईलाइट हो रहा है, सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज का जो ये ऑप्शन दिख रहा है इसे चूज करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे क्लिक करके इसको चूज कर रहे हैं। ये स्टेप होने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, आप अपने एक्सेल के इंसर्ट में आइए। इंसर्ट में आने के बाद आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर का जो मेन टैब है यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर। इस पेज नंबर पे क्लिक करिए, आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, टॉप पेज बॉटम पेज। मोस्टली हम बॉटम में पेज नंबर इंसर्ट करते हैं तो हम बॉटम में आके आपको देखें, यहाँ पे हमारा एक्सेल 2007 है जहाँ पे हमें फोर ऑप्शन दिख रहे हैं और राइट, लेफ्ट, सेंटर और जो हमारा लास्ट वन है ये आउट ऑफ पेज के फॉर्मेट में दिखेगा। एग्जांपल कि ये मेरा 12 पेज है तो थर्ड पेज आउट ऑफ 12, फिफ्थ पेज आउट ऑफ 12, इस तरह के फॉर्मेट में यहाँ पे दिखेगा। और जो सिंपली एक है जो सेंटर में पेज नंबर है, ये मैं एक ये वाला ऑप्शन चूज़ कर ले रहा हूँ। तो ये चूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से हमारा जो फर्स्ट सेकंड पेज नंबर आ गए हैं। अगर आपका फोर्थ, फिफ्थ पेज नंबर से आपने पेज नंबर इंसर्ट करना चाहा है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे जो पुराना प्रीवियस इसका पेज है उसको भी काउंट करके वो नंबर दिखे। तो सिंपली आपको क्या काम करना है कि जो अभी हमारा, जैसे कि ये यहाँ से हमने सेकंड पेज को हमें फर्स्ट नंबर देना है तो सिंपल हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया हुआ है और सेलेक्ट करने के बाद आप इसी सेम टैब में आप देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर आपको दिख रहा है येलो में, इसे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप बॉटम में आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मेट पेज नंबर, क्लिक करिए। और ये किसी जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो पेज नंबर का जो फर्स्ट है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन ये बाय डिफॉल्ट उनको दिखेगा, मगर हमने इसके पहले भी ये पेज नंबर दिए हुए हैं इसके लिए ये हमारा स्टार्ट एट पे ही आ रहा है तो हम जस्ट इसे यहाँ पे क्लिक करना है और ये बाय डिफॉल्ट वन हो जाएगा यहाँ पे, इसे ओके कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा वन हो गया और यहाँ पे सेकंड दिख रहा है, मगर इसके जो प्रीवियस पेज है वहाँ पे
यहाँ पे भी वन दिख रहा है, तो हमें हमेशा ये माइंड में रखना है कि इसके जो प्रीवियस है ये नंबर हमें यहाँ से निकालने हैं, क्योंकि हमें इस पे पेज नंबर नहीं देना है। तो सिंपली आपका ये फर्स्ट पेज है, तो आप ये जो लिंक टू प्रीवियस दिख रहा है इसे आप क्लिक कर लीजिए। ये बाय डिफॉल्ट देखिए हाईलाइट हुआ है, इसे लिंक टू प्रीवियस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका प्रीवियस है आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर दीजिए इस नंबर को। देखिए हमने जैसे यहाँ पे डिलीट कर दिया है, बाय सपोज आपका फिफ्थ या सिक्स या नंबर ऑफ पेज के नीचे से आपने पेज नंबर देना चालू किया है, तो आप जस्ट प्रीवियस वाले पेज का नंबर डिलीट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसके सारे प्रीवियस पेज के नंबर डिलीट हो जाएंगे। तो हमारा सेकंड पेज का ही था, तो हमने देखे यहाँ पे फर्स्ट दे दिया है और यहाँ पे नंबर डिलीट कर दिया है जो हमारा इंट्रो पेज था। तो हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू जैसे कि यहाँ पे प्रीव्यू हम दिखा दे रहे हैं, तो देख सकते हैं आप जैसे कि जो हमारा फर्स्ट पेज है वहाँ से नंबर नहीं नंबर मतलब पेज नंबर नहीं दिए गए हैं, और जो हमारे जो मेन कंटेंट है वो सेकेंड पेज से चालू है। तो देखेंगे यहाँ पे सब सारे नंबर आ चुके हैं। तो मैं क्लोज प्रीव्यू करता हूँ, आप देख सकते हैं यानी हमारा जो मेन कंटेंट था वो फर्स्ट नंबर आफ्टर डेट सेकेंड इस तरह से कंटिन्यू नंबर बॉटम तक आ चुके हैं। तो आप इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स या प्रोजेक्ट असाइनमेंट में इजली आप स्पेसिफिक पेज से पेज नंबर देके आप अपना डेटा कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और नमस्कार।